जब भी कहीं वीरता, कला, संस्कृति, संगीत की बात चलती है तो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो है राजस्थानी धरती का, राजस्थानी मिट्टी का। इसी धरती पर जन्मा एक शख्स जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अपने आप में एक मिसाल है, एक प्रेरणा है, और वो शख्स है पंडित विश्वमोहन भट्ट। जब कभी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात चलती है तो पंडित विश्वमोहन भट्ट की तस्वीर सबसे पहले उभर कर सामने आती है। इस महापुरुष का जन्म 27 जुलाई सन 1950 में जयपुर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर से ही हुई। महज 13 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी 300 साल पुरानी विरासत को आगे बढ़ाते हुए संगीत के क्षेत्र में कदम रखा। शुरुआती तालीम उन्होंने माता पिता स्वर्गीय मनमोहन भट्ट और दिवंगत चंद्रकला भट्ट से ली। उसके बाद 1983 में उन्होंने पंडित रविशंकर जी को गुरु बनाया। मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर जी से संगीत की शिक्षा हासिल करना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव साबित हुआ। पंडित विश्वमोहन भट्ट का सरल व मिलनसार स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने परिवार के सदस्यों की भांति उनका जीवन भी संगीत को ही समर्पित रहा। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में नए प्रयोग किए और हमारा परिचय हवाइन गिटार, जिसे मोहन वीणा के नाम से भी जाना जाता है, से करवाया। पंडित विश्वमोहन भट्ट ने अपने जीवन में अनेक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी हैं। उन्होंने सन 1995 में यूएनओ के 50वें वर्ष पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची उड़ान दी। साथ ही सन 1994 में बीबीसी प्रोम्स के 100वें वर्षीय उत्सव पर, महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ पर, सन 1995 में अंतर्राष्ट्रीय गिटार सितारे कॉन्सर्ट में और जैज फेस्टिवल ओटावा में उन्होंने बखूबी अपना स्थान जमाया। पंडित विश्वमोहन भट्ट को 1970 से लेकर अब तक अनेकों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें सन 1994 में उनकी एल्बम अ मीटिंग द रिवर के लिए मोस्की की दुनिया के सबसे मकबूल ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही सन 1999 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, सन 2001 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से, सन 2002 में पद्मश्री से, सन 2015 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी संगीत क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सन 2017 में भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में बड़े गौरव की बात है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ऐसी शख्सियत को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है।